इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है, पहले दोनों टॉपिक इलेक्ट्रॉन के, अगर मान लीजिए कक्षा में चाल और जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसकी त्रिज्या की गणना पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। आज इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये मान लीजिएगा आपके पास नाभिक, ठीक है, और इसके वर्तकार कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की भी गणना करनी है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा तीनों चीजें देखनी है। तो सबसे पहले तो मान लीजिएगा गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो पहले तो गतिज ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गई ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अच्छा वी स्क्वायर की वैल्यू देखो, पहली जो परिकल्पना है एम वी स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये पहली परिकल्पना। ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी बराबर ये हो गई, इसकी जगह एम तो हाफ मतलब हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये हो गई आपके लिए गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा दूसरी, स्थितिज ऊर्जा समझिएगा बात को, स्थितिज ऊर्जा पूरे निकाय के लिए परिभाषित होती है, अलग अलग निकाय के लिए अलग अलग स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा जो आपके दिमाग के अंदर फॉर्मूला आ रहा है एमजीएच, ठीक है, वो तो केवल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होती है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग है तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अलग है। स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, किसी भी पोजिशन किसी कण की स्थिति को चेंज करने में जितना कार्य किया जाता है, ये स्थिति में चेंजेस के कारण जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा। अगर स्प्रिंग को एक्स अमाउंट से आपने, ये एक्स अमाउंट है मान लीजिएगा, उसे विस्थापित कर दिया, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। इसी तरह से मान लीजिएगा कोई आवेशित कण है क्यू वन और क्यू टू जिनके बीच की दूरी है आर, सपोज ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देने की कोशिश करेगा। फिर भी अगर आप इसको पास लेकर आओ, इसकी स्थिति में चेंजेज करो, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र अलग होगा। इसके लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। आवेश को उसकी प्रकृति के साथ रखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है, क्योंकि ऊर्जा की गणना कर रहे हैं, ऊर्जा अदिश राशि है। अच्छा, दोनों के बीच में अगर बल की गणना करनी हो तो बल होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, चाहे तो अलग अलग ले लीजिएगा, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है बल। जब बल का परिमाण निकालते हैं क्यू वन क्यू टू दोनों क्या रखना, पॉजिटिव, ये बल का परिमाण है, सदिश राशि में माइनस चिन्ह सिर्फ दिशा को बता रहा है, इसलिए परिमाण देना है तो हमेशा प्लस ही रखना है, जबकि ऊर्जा अदिश राशि है, माइनस चिन्ह परिमाण को बताता है न कि दिशा को। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा यहां पर तो बताओ, एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन नाभिक, तो नाभिक पर आवेश क्या हो गया, नाभिक के ऊपर देखिएगा आवेश हो गया जेड ई, तो नाभिक पर आवेश हो गया आपके लिए जेड ई, जेड ई, ये हो गया नाभिक पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो गया आपके लिए माइनस का ई। ठीक है, तो फिर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो बन गया वो क्या बन जाएगा, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन, क्यू वन मतलब हो गया नाभिक, क्यू टू माइनस ई अपॉन आर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया आपके लिए माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो टोटल एनर्जी निकाल ले, तो टोटल टोटल एनर्जी की बात कर लें तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी या कुल ऊर्जा, ऊर्जा का मान हो गया देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर। तो क्या करें, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर कॉमन ले लीजिएगा, के जेड ई स्क्वायर बट्टा आर कॉमन ले लिया, तो माइनस का एक प्लस का एक बट्टा दो। ठीक है,
तो दो एलसीएम हो गया, ये तो माइनस का दो प्लस का एक, मतलब माइनस का एक बटा दो, एक माइनस का एक बटा दो प्लस का, तो माइनस का एक बटा दो। तो टोटल ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो गया? कुल ऊर्जा, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 R, ये फॉर्मूला बन गया टोटल ऊर्जा का। अब 1 मिनट, एक बात तो यहां पे समझो, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, अब एक बात तो यहां पर ये बात समझो, देखिए तीनों में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, और कुल ऊर्जा का सूत्र मिलता जुलता आया है। एक प्रश्न तो यहीं पर बनता है, देखो टोटल ऊर्जा का फॉर्मूला ही बनाना आपके पास। इसमें एक काम करूं, मैं माइनस का कॉमन लू, तो देखो ये क्या बन गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 R। अगर बड़े गौर से देखो तो ये चीज क्या बन गई, ये चीज क्या बन गई, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, देखो के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 R, ठीक है। तो एक फॉर्मूला क्या बन गया कि टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस की काइनेटिक एनर्जी। एक तो ये बना कि काइनेटिक एनर्जी जितनी भी है उसमें माइनस चिन्ह लगा दो तो क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। दूसरा प्रश्न देखिएगा, टोटल एनर्जी का वापस देखते हैं, तो ये क्या बना, माइनस एक बटा दो, एक बटा दो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यही बना हुआ है। अब एक काम करो, उसको इस तरह से लिखें, टोटल एनर्जी इक्वल टू एक बटा दो और माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ये देखो कि ये चीज क्या बनी अंदर, ये वाली चीज अंदर क्या बनी, ये देखो ये बन गई पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का आधा क्या हो गई, टोटल एनर्जी। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया क्या कि टोटल एनर्जी, इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी बट्टा दो। इसका मतलब एक रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया ये, जो बता रहा हूं कि टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बट्टा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पता है तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी पता है, स्थितिज ऊर्जा तो उसका आधा कर दो तो टोटल, इनमें से कोई भी एक ऊर्जा दे देते हैं, बाकी दोनों पूछ लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। या तो कितना कॉपी करो फटाफट, चलिए कॉपी कर लिया यहां तक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन और करते हैं, देखो तो ये फॉर्मूला बन गया, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है ना। अब एक बात तो देखो सुनो, ये जो फॉर्मूला बना है इस तरह से बना है कि टोटल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है, देखो ठीक है, एक्चुअली क्या है कि काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, और जो टोटल एनर्जी है हमेशा, और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है, इसलिए ये रिलेशन बना। अब कई बार मान लीजिएगा क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि मान लीजिएगा किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की सपोज काइनेटिक एनर्जी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आपके पास है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, माइनस का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गई, माइनस की काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब माइनस, और ये हो गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गई टोटल एनर्जी का फॉर आंसर आ गया। पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए तो कोई तो भी रिलेशन लिख लेते, तो टोटल एनर्जी बराबर क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बटा दो, तो 2 गुणा कुल ऊर्जा बराबर क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा, तो 2 गुणा माइनस का 3.4, मतलब माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू किसकी आ गई, कुल ऊर्जा, सॉरी स्थितिज ऊर्जा की, ठीक है ना। तो ये हो गई, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें कोई भी एक चीज दे सकते हैं, बाकी दोनों में दो चीजें पूछ सकते हैं, ये रिलेशन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मैंने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर मैं 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसके अंदर कि जैसे एक काइनेटिक एनर्जी आपको पता है तो बाकी दोनों पता लगाएंगे, इसके अंदर जैसे टोटल ऊर्जा आपको पता है तो बाकी दोनों ऊर्जा पता लगाएंगे। अब इसको याद ऐसे रखना, देखो फटाफट जल्दी जल्दी आंसर निकालना है,
तो ऐसे ध्यान रखना, दिमाग में बैठाना एक बात तो अच्छे से कि गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होगी, गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होगी और बाकी दोनों ऊर्जा हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। बाकी दोनों ऊर्जा हमेशा नेगेटिव। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी का आधा करेंगे मतलब स्थितिज ऊर्जा का आधा करेंगे तो बाकी दोनों आ जाएगी, और चिन्ह पहले वाले कंसेप्ट के आधार पर लगा लेना। केवल गतिज ऊर्जा पॉजिटिव होगी, बाकी दोनों क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है। दूसरी बात, स्थितिज ऊर्जा का जैसे आधा करेंगे तो बाकी दोनों ऊर्जा आ जाएगी, लेकिन चिन्ह पहले वाले कंसेप्ट के आधार पर लगा लेना, या फिर स्थितिज ऊर्जा हमेशा डबल हो जाएगी, किनकी, परिमाण में, चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे टोटल ऊर्जा। क्लियर, ये वाला दिमाग में बैठाना बात। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि गतिज ऊर्जा दे रखी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो टोटल ऊर्जा तो सीधी सीधी आ जाएगी चिन्ह बदल, ये दोनों आना तो नेगेटिव में ही है। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा इतनी दे रखी तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी का आधा करने से आती है ना दोनों, मतलब इन दोनों में से डबल कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, बस चिन्ह माइनस का आना है। ठीक है, तो डबल कर दीजिए कितना आ जाएगी, 6.8, तो माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला एग्जांपल देखो कि टोटल ऊर्जा आप तो दे रखी है, टोटल ऊर्जा दे रखी है तो ये दोनों पूछ ली। ठीक है, तो टोटल ऊर्जा गतिज ऊर्जा का तो आंसर सेम ही होगा, बस चिन्ह का फर्क है, माइनस का 1.8 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी का करना, डबल कर दो तो डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, 36, 3.6, और चिन्ह माइनस का, तो माइनस का 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगला एग्जांपल देखो, इसके अंदर अगर ये कह दिया कि पोटेंशियल एनर्जी है 27.2, मतलब माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इसका आधा, बस चिन्ह ये प्लस का करना है, ये क्या करना है, माइनस का, तो इसका आधा करेंगे कितना जाएगा, 27.2 ये हो गई 13.6, आधा कर लेंगे तो ये आ जाएगी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ जाएगी प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो बताओ इसमें, बताओ काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी, सीधा माइनस का 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इनके डबल कर दो 56, तो माइनस का 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देखो टोटल ऊर्जा देखिए, तो टोटल और इसके अंदर तो बिल्कुल सेम ही आंसर हो जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का डबल करो, देखिए आप तो डबल करोगे तो क्या आ जाएगा, 104, मतलब माइनस का 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी देखिए, ठीक है, तो आधा आधा कर लीजिएगा, आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0.9, तो ये तो माइनस क्या आ जाएगी, ये प्लस, तो माइनस का 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या आ जाएगी, प्लस का 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, इस तरह से 6 एग्जाम्पल हो गए मतलब। ठीक है, नहीं आपको अगर ये नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला में जो कहा है फॉर्मूले में रख दो, बची हुई चीजों को नॉर्मल गणित है, आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, क्लियर, इसको भी फटाफट कॉपी कर लीजिएगा आप। ठीक है, फिर अब टोटल ऊर्जा का सूत्र निकालते हैं। कॉपी कर लिया है, ठीक है, चलिएगा अब कुल ऊर्जा का सूत्र निकाल लेते हैं, टोटल ऊर्जा, क्योंकि हमारे पास टोटल ऊर्जा आ गई तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों ही आ जाएगी। ठीक है, तो सबके सूत्र निकालने की जरूरत नहीं, केवल टोटल ऊर्जा का ही सूत्र निकाल रहे हैं, रख कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया आपके पास, ठीक है, अब देखिएगा वापस बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा जो टोटल एनर्जी है, या फिर उसको केवल ई लिख रहा हूं, एनर्जी, एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा ही, ये आ गई थी माइनस के
जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर, ठीक है ना। आर का मान रख दे, आर क्या त्रिज्या। अच्छा त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, नहीं का स्क्वायर बट्टा टोपी का स्क्वायर इंटू कमीज। तो नहीं का स्क्वायर, नहीं मतलब एन एच का स्क्वायर अपॉन टोपी का स्क्वायर, टू पाई ई का स्क्वायर इंटू कमीज के एम जेड। ये मैं लेक्चर, इसे पहले वाले लेक्चर में सारा फॉर्मूला याद भी करा चुका हूं मैं, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई, तो ये वैल्यू यहां पर रख दो, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू, और आर हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर ई स्क्वायर के एम जेड, ये वाला फॉर्मूला। तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला गया, तो टोटल ऊर्जा का सूत्र क्या बन गया, देखिएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर गुणा फोर पाई स्क्वायर ई स्क्वायर के एम जेड अपॉन टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। कुछ कट रहा है क्या, देखो कुछ भी नहीं कट रहा है क्या, कुछ तो कट रहा होगा, कुछ भी नहीं कट रहा सिवाय दो, ठीक है, नहीं कट रहा तो दो, ठीक है ना। बना ही बड़ा डरावना सूत्र है, ठीक है। देखो माइनस टू, इसको इस तरह से बनाओ, देखो ई बट्टा एन एच होल स्क्वायर पाई के जेड होल स्क्वायर और एम डबल ई टू। देखो पहले सारा आ गया क्या, ये देखो, देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया सारा, देखो पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखो पाई स्क्वायर और ये देखो ये आ गया के स्क्वायर और ये आ गया देखो जेड स्क्वायर, ठीक है ना। एम, ये एम चला गया, ठीक है ना। अब देखो ई की घात चार है तो एक ई स्क्वायर तो आ गया यहां पे, एक ई स्क्वायर आ गया यहां पे और ये बच गया टू, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो इसको बनाते हैं, देखो एक पुराने फिल्म थी, शायद आपने तो नहीं देखी होगी आज के टाइम पर, पाकीज़ा, ठीक है, पाकीज़ा फिल्म थी, बहुत फेमस हुई थी, सुपर पिक्चर रही थी उस टाइम की, ठीक है। अच्छा और एक यहाँ पे ये देखो अपन बनाएंगे इसको पाकीज़ा, ठीक है। अच्छा एक वो गाना भी था, ये आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। तो आप इसमें यहाँ पे तो इसको बना लीजिएगा मीत या ओ मेरे मीत रे मेरे मितवा, या फिर बना लीजिएगा मितवा, या फिर आप लोकल लैंग्वेज में बना लीजिएगा मीटू, ठीक है, मीटू। हालांकि मीटू एक कैंपेन भी चल रहा है गर्ल्स के लिए, ठीक है ना, मीटू या फिर मिट्टू, किसी भी तरह से ये बन गई पाकीज़ा, ठीक है। अच्छा एक गाना और भी था, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, ठीक है। तो ये गाना बन गया देखो इन्हीं, ठीक है ना। अभी याद रखने की टेक्निक है, वरना ऐसे डरावने से सूत्र याद रहेंगे नहीं आपको, ठीक है ना। तो देखिएगा ये बन गया माइनस इन्हीं का स्क्वायर पाकीज़ा का स्क्वायर, और इसको मिट्टू बना लीजिएगा या मित्तू मीत बना लीजिएगा, किसी भी तरह से आप जैसे याद रखो वैसे, ठीक है ना। अब तो इन्हीं मतलब ई बट्टा एन एच, इन्हीं मतलब ई बट्टा एन एच, पाकीज़ा पाई के जेड, मिट्टू एम डबल ई टू, पाकीज़ा पाई के जेड, पाकीज़ा पाई के जेड, मिट्टू एम डबल ई टू, इन्हीं ई बट्टा एन एच और नहीं एन एच, टोपी टू पाई ई, कमीज के एम जेड, काजी के जेड ई, ठीक है। तो ये याद रखने का एक टेक्निक है मतलब, ठीक है ना। तो माइनस इन्हीं का स्क्वायर इंटू पाकीज़ा का स्क्वायर इंटू मिट्टू, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में, अब देखो इसके अंदर वही चीजें हैं, ये की वैल्यू रख सकते हैं के पाई, सबकी वैल्यू जब रखकर, ठीक है ना, जब सोल्व करें, देखो किस किस की नहीं रख सकते। एक तो ऊपर जेड मतलब अंश में क्या बच रहा है, जेड स्क्वायर, ठीक
ठीक है, और हर के अंदर क्या बन रहा है, एन एच का स्क्वायर, तो एक्सर हो जाए तो एन स्क्वायर, तो साथ में तो आ जाएगा आपके लिए कि जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें, ठीक है, तो अब देखिएगा जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, अपना कॉपी करो देखिए आप पहले, ठीक है। अब इसको जब मान लीजिए पूरा सोल्व करें, ई की वैल्यू, पाई की वैल्यू, सब वैल्यू रखे तो फिर ये सोल्व करेंगे तो ये आंसर आता है ई बराबर माइनस का 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर और जूल। आंसर किसमें आ गया, ये जूल में, ठीक है। अब लेकिन सामान्यतः हमारे क्या है कि जो आंसर चाहिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा चाहिए होती है, इसे क्या है कि आसानी रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट से त्वरित कराया तो उसकी कितनी ऊर्जा ऊर्जा हो जाएगी, तो 10 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो मान लीजिए वो ऊर्जा ये तो आई जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। तो जैसे ऊर्जा है 4 जूल और आपको आंसर चाहिए डेस डेस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना, तो आपको ई चाहिए, तो यहां पे तो ई है नहीं, तो आप क्या करो कि जैसे ई 4 ई अपॉन ई, जूल की जगह जूल रहने दो, क्लियर, ठीक है। अब देखो बात को सुनो, ये जूल रख दिया अभी तो, ठीक है, आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वोल्टेज बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज, वोल्टेज का वर्क अपॉन विभवांतर का या विभव का कार्य बटा आवेश, एक सूत्र पढ़ा आपने, ठीक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, इसका कूलाम, ठीक है ना, तो जूल पर कूलाम ये क्या बन गया, वोल्ट, ठीक है। तो जूल को क्या लिख सकते हैं, चलो जूल पर कूलाम क्या बन गया, वोल्ट। तो आपको कौन सा ई चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, ये वाला ई नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए तो इसकी वैल्यू रख दो, तो ई बराबर 4 ई अपॉन 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, आगे जूल है ही, ठीक है। और तो जूल पर कूलाम ये क्या बन गया, वोल्ट, तो 4 ई अपॉन 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 वोल्ट, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 4 बट्टा 1.6 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा आ गई। और वापस अगर जूल में बदलना हो तो ई की जगह ई हटाना है, हटाना क्या करो, मान रखो ऊपर नीचे गुणा करने से मतलब ही नहीं रहेगा ना, ऊपर नीचे गुणा करने से वापस एक और ई बढ़ जाएगा, हटाना ही है आपको, तो ई वैल्यू रख दो, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम रखेंगे तो कूलाम इंटू वोल्ट, वापस क्या हो जाएगा वो जूल, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये ऊर्जा आ गई, अगर इस ऊर्जा को आपको उसमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर ये ऊर्जा को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ऊर्जा हो गई माइनस का 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 अपॉन ई ई जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर, या यहां पे लिख देता हूं मैं जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर ई और जूल, जूल है। अब इस ई की वैल्यू रखना है, ई बराबर माइनस का 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 गुणा जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर अपॉन 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम गुणा, अच्छा ई, और ये क्या बन गया, जूल, ठीक है। अब इस कूलाम को मैं यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं, देखो तो जूल पर कूलाम क्या बन जाएगा, ये वोल्ट वी, ठीक है। और जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, ये 10 की घात 19 ऊपर चला जाएगा तो 10 बस मतलब 21.8 बट्टा 1.6, जब सोल्व करेंगे तो माइनस का 13.6 गुणा जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गई, एनवी कक्षा में तो परमाणु में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा में ऊर्जा, एनवी कक्षा में ऊर्जा, और ऊर्जा का मान कितना आ गया आपके पास, ये माइनस का 13.6 गुणा जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा आ गई, ठीक है ना। ये आ गई आपके लिए टोटल ऊर्जा ई कमान।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगे। ठीक है, अब पूछ ले हाइड्रोजन परमाणु में पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताओ। ऊर्जा मतलब ये टोटल ऊर्जा, ध्यान रखना। अच्छा और कुछ भी कहे कि सिर्फ ऊर्जा ही याद करो, कुछ लिखा हुआ नहीं, कुल ऊर्जा, तब भी कुल ऊर्जा ही माननी है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो स्पेशली कहेंगे तो ही करना है। तो कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु जेड वन, पहली कक्षा एन वन, तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ठीक है, जितना भी ये भी कॉपी कीजिएगा, फिर आगे देखिएगा ऊर्जा स्तर डिस्कस करते हैं क्या होंगे।